सर का क्लिनिक्स मीडिया में मैं अभी नासिर। जैसे कि मुंबई के रहवासियों ने एक मुहिम छेड़ा है, मुहिम यह है कि सरकार पानी का बिल और बिजली का बिल माफ़ करे। सिर्फ इंटरव्यू लेने से कुछ नहीं होगा, क्लिनिक्स मीडिया और मानव सामाजिक विकास संघ ने संकल्प लिया है कि तमाम नगर सेवक, MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लेटर देंगे मुंबई के, ताकि बिजली का बिल, पानी का बिल और जो रिक्शा चालक का जो मुद्दा है EMI और इंस्टॉलमेंट का, वो माफ़ हो जाए। हमें BMC ऑफिस के बाहर और अभी हम मुलाकात करेंगे वार्ड नंबर 95 के नगर सेवक सर चंद्रशेखर वाइंगांवकर, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी है H East और H West का। आए मुझसे जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय को लेकर। भी आपको सबको पता है कि कोविड का प्रादुर्भाव मुंबई में नहीं, देश में नहीं, पूरे जग में है। तो प्रशासन के तौर पे, हमारे पार्टी के लेवल पे, शिवसेना पार्टी के लेवल पे और खुद एज अ कार्यकर्ता, हम अपनी तरफ से बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों को सहायता मिले। ये जो सिचुएशन है, ये सिर्फ कोई साथ आया जैसा डेंगू का साथ है, मलेरिया का साथ है, ऐसा साथ नहीं है। ये इसको अपन महामारी बोलती है, महामारी है और एक अलग सिचुएशन है। हम गए अनेक वर्षों से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, राजकारण में, लेकिन हुआ यूँ कि जो ये सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन इसके पहले कभी भी नहीं था। इसके लिए जो भी आपने जो मांगनी की है, ये मांगनी हमने इसके पहले भी हमारे जो विभाग प्रमुख अनिल परब साहब उनके पास की है और उनके थ्रू हम हमारे जो CM उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब जो हमारे नेता है, उनके पास हमने ऑलरेडी ये जो आपकी मांग है इसको हमने पहुँचा है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो आम तौर पर पब्लिक है उनको लाइट के बिल में राहत मिले। जैसा भी उन्होंने 3 महीने का बिल एक साथ भेजा है अडानी ने, तो कैसे जो उनका स्लैब है वो ब्रेक हो गया, उनका कुछ 300 या 500 यूनिट का स्लैब था, तो अभी तीनों एक साथ मिलेंगे तो स्लैब तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके हिसाब से उन्होंने लोगों को ज़्यादा भी भेजा है। तो हमारी एक मांग रही है कि जो गए साल में आपने मार्च में बिल भेजा था, गए साल में अप्रैल भेजा, वो भी बिल भेजेगा तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इन्होंने तीनों जो यूनिट एक साथ करके भेजा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल आया है और हमारा इसको तीव्र विरोध है। हम पूरे लोगों के साथ में और हम चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले। तो अभी हमने मांग की है, हमारी पार्टी भी आपके साथ में ही टॉपिक पे और हम सत्य में, तो जरूर कोशिश करेंगे जी। सर आखिर मैं मुंबई के जो तमाम रहवासी हैं उन तक क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा कि वो धैर्य बना के रखें और संपूर्ण विश्वास शिवसेना पक्ष पर रखें। देखिए अभी मैं आपके सामने एक नगर सेवक बोल के बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद को कभी भी नगर सेवक नहीं माना। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक शिवसैनिक है और शिवसैनिक हमेशा निस्वार्थ रहता है। और आपको पता होगा प्रशासन शासन की तरफ पूछे नहीं पूछे, लेकिन जब भी आफत की बारी रहती है, कोई संकट रहता है, तो शिवसैनिक उधर ज़रूर पूछता है। तो उसी तौर पर बोल रहा हूँ, अभी हमने 1.5-2 महीने हमने भी काम किया, मैं खुद भी पॉजिटिव हो गया था, मैं 14-15 दिन में हॉस्पिटल में था। अभी हमने लोगों को, तो अभी उस वक्त में भी लोगों को हमने रात की मतलब बात दी थी, हमने लोगों को क्या बोला कि जैसे सरकार हम बोल रही है, सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट रहे सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, लोग जो गवर्नमेंट ने हमारे को गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस को फॉलो करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो आर्थिक बात तो बराबर है, मैं जानता हूँ कि लोगों का काम धंधा बंद है, लोगों का आर्थिक संकट में है, ये मैं जानता हूँ बात को, लेकिन फिर भी जैसा है जो सिचुएशन है उसको हमने फेस करना चाहिए। डर के कुछ होने वाला नहीं है, तुम धैर्य से काम करना चाहिए। और जैसा मैं आपको बोला, हर एक के घर भी अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटस है, हर एक ने बचा के खुद को ये सिचुएशन पार करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है और 3-4 महीना ये समझो रहेगा, लेकिन ये जो आफत की घड़ी, इसके अंदर जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और को मदद करूँ, वैसे किसी और ने किसी और को मदद करना चाहिए। ये अपना पूरा समाज है, हम सब मिलके अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो ये बड़े बड़े संकट टल गए। ये तो संकट टलने में कोई बड़ी बात नहीं, ये भी टल जाए संकट, और जैसे हम पहले रह रहे हैं वैसे भाईचारे के साथ रह सकते हैं। धन्यवाद।